हेलो गाइस, एरमा सेनपाई की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां मैं एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूं जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये वीडियो सिर्फ एंडिंग को लेकर नहीं है, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जुरासिक वर्ल्ड फ्रेंचाइज का आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। तो एंड में टीरेक्स का जो रोब होता है जुरासिक पार्क फ्रेंचाइज से, वो फाइनली अब खत्म हो जाता है, क्योंकि गाइगेंटोसोरस उसकी वाट लगाने आ जाता है। लेकिन थेराजिनोसोरस भी फाइट में उसकी हेल्प करने के लिए आता है टीरेक्स की, एंड जिसकी वजह से गाइगेंटोसोरस कंफ्यूज हो जाता है और रेक्सी गाइगेंटोसोरस की नेक पर बुड़का मार लेती है। एंड इतना सारी जो मेन कास्ट होती है वहाँ से एस्केप करके और बायोसिन एयरस्ट्रिप पर पहुँच जाती है, जहाँ उनके इंजरीज को ट्रीट किया जाता है। एंड वहाँ पर रैमसी एक्सप्लेन करता है कि बायोसिन कंपनी में मैसिव करप्शन है हाईएस्ट रैंक्स पर, एंड साफ दिख रहा है कि रैमसी का जो जुरासिक फ्रेंचाइज में फ्यूचर है वो ब्राइट है, एंड वो अपनी खुद की कंपनी खोल सकता है बायोसिन की तरह। और अब ऊपर से बायोसिन लैंड पर जितने भी डायनासोर्स थे वहाँ पर अब नेशनल सेंचुरी बना दी गई है और गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि कोई भी ह्यूमन डायनासोर्स के मैटर में अपनी टांग ना अड़ा सके और कोई भी कंपनी प्राइवेट वाली डायनासोर्स को एंटर नहीं करेगी। एंड एक फाइनली वो सीन भी हमें देखने को मिल जाता है जिसका जुरासिक पार्क के फैंस 29 सालों से वेट कर रहे थे। एली और एलन एक दूसरे को किस करते हैं, फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एली एक्सप्लेन करती है कि वो मेक श्योर करेगी कि टिटो का जो डीएनए है उसके कॉन्टैक्ट तक पहुंच जाए, जो प्रोबेबली पब्लिश कर देता है कि वायोसिन कंपनी टिटो के साथ फेमाइन को कैसे फैला रहा था, जो अलाउ करता है डॉक्टर इयान और ग्रांट को अपनी टेस्टिफाई देने के लिए कोर्ट में, ये बताने के लिए कि डायनासोर्स उनके नेचुरल वर्ल्ड में कितने ज़्यादा डेंजर हो सकते हैं। एंड मेजी को भी रियलाइज होता है कि जो ओवन और क्लेयर है वो दोनों उसके रियल पेरेंट्स हैं, एंड उसे उनकी फैमिली को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, एंड उनके आपस में जितने भी टेंशन होते हैं वो दूर हो जाते हैं फाइनली। लेकिन तभी उसके बाद एक बोनटाज सीन आता है जिस पर हम देखते हैं कि बायोसिन कंपनी के फॉरेस्ट में, जहाँ पर हम ब्रेडियोसोरस को पानी के अंदर देख सकते हैं, एंड एज वेल एज सूडोसेराटोप्स को भी, जो आउटसाइड घूम रहा है। एंड जब एलन टेस्टिफाई करने वाला होता है तो उससे पहले हमें सीन दिखाया जाता है कि डायनासोर्स ह्यूमन वर्ल्ड में रह रही है अभी भी, जहाँ एक लेक के पास एक बच्ची मोरोस इंटरप्रीटर्स के साथ खेल रही है, एंड एलन अभी भी डायनासोर के साथ यूज्ड टू नहीं हुआ है। डॉक्टर वू ने अपने टिड्डो को मेजी के डीएनए से परफेक्ट कर लिया है और एक परफेक्ट टिड्डा बना लिया बाय स्टडिंग मेजी एंड बेटा, एंड ये जो नया टिड्डा है ये सभी टिड्डो को इरेडिकेट कर देता है जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जिनके सीड्स बायोसिन कंपनी के नहीं थे, इससे ग्लोबल फेमाइन भी रुक जाता है। लेकिन हम अगले शॉट में दो नए टायरानोसोरस को देखते हैं, एक दूसरे से थोड़े अलग लेकिन फिर भी आइडेंटिकल हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों को क्रिएट किसने किया, क्योंकि बायोसिन कंपनी ने बताया था कि उन्होंने टीरेक्स को जस्ट एली और एलन के पहुंचने से पहले ही पकड़ा था। बायोसिन वाला जो टीरेक्स है इस टीरेक्स फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, एंड जो लोग सोच रहे हैं कि बाकी डायनासोर्स को नेशनल सेंचुरी में क्यों नहीं रखा गया, तो इसका रीजन साफ ये है कि जितने भी डायनासोर्स जो डेंजरस है जैसे कि टीरेक्स, ट्राइसेराटोप्स, वेलोसिरैप्टर्स, वो सभी सेंचुरी में है, लेकिन जो छोटे डायनासोर्स है जो ह्यूमन थ्रेट को ज़्यादा पोज नहीं करते वो फ्रीली रोम कर रहे हैं वर्ल्ड में। लेकिन इस नेशनल सेंचुरी को कोई भी फिर से कंपनी या मिलिट्री ग्रुप कंट्रोल कर सकता है, एंड एक नई स्टोरी लाइन को ही आगे कंटिन्यू कर सकता है। एंड हमें पता है कि जुरासिक वर्ल्ड का ये फाइनल पार्ट तो नहीं होने वाला। कैरोलाइन या फिर कई केला उसको अपना नया एयरक्राफ्ट मिल गया है, एंड वो उसे कस्टमाइज करने लग जाती है। एंड ये देख के पता चलता है कि केला के कैरेक्टर को एक ओपन एंडिंग दी गई है, तो इसका मतलब वो कभी भी इस कैरेक्टर को यूज़ कर सकता है, या फिर हो सकता है कि बस इसको सीधा गार्बेज में डाल दें। बट अब फाइनली ब्लू को बेटा मिल गया, एंड वैसे ही एंड होती है पिक्चर जैसे पिछले दोनों पार्ट्स में एंड हुई थी, जहां पर ब्लू ओवन को थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है एक जंगल वाली राइड पे। देन हमें फिर से रीइंट्रोडक्शन कराया जाता है शार्लेट लॉकवुड का, जो इसला सोना पर है, एंड वो डिस्क्राइब करती है कि ह्यूमंस कितने इनसिग्निफिकेंट है, और उसके पास एक माइक्रोसेरेटस है जिसका अर्ली 2000 में क्लोन किया गया था, जिसको देखने से साफ हो जाता है कि टाइमलाइन कितनी मैसिव है जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की, एंड बहुत सारी स्टोरीज को आगे वो कनेक्ट कर सकते हैं। एंड हमें ये भी पता है कि जुरासिक वर्ल्ड का एक पार्ट और आने वाला है, बेशक फिर चाहे उसका टाइटल जुरासिक पार्क हो या फिर जुरासिक वर्ल्ड, कैरेक्टर सेम होंगे या नहीं ये भी मेरे को नहीं पता क्योंकि कन्फर्म नहीं किया गया है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इनके कैरेक्टर्स को आगे फर्दर एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि
लॉकवुड की स्पीच के अकॉर्डिंग ह्यूमंस और डायनासोर्स आपस में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। और मुझे पता है कि कई लोगों को ये फिल्म डिसअपॉइंटिंग लग सकती है, क्योंकि जितने भी फैंस हैं या फिर जो पूरी जो कास्टिंग है ओल्ड वाली, उनके साथ जस्टिस नहीं किया गया, तो फैंस डिसअपॉइंट हो सकती हैं। मैं भी थोड़ा बहुत था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमें थोड़ा इन्जॉय करना था बस। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।